तो गाइस सबसे पहले मैं बता दूं कि लड़की को इम्प्रेस करूंगा तो उसके साथ रिलेशनशिप में आऊंगा, और जब मैं रिलेशनशिप में आऊंगा सारे क्यूट से पल कैप्चर करने के लिए मुझे एक डीएसएलआर तो लेना ही पड़ेगा। और हमारी देश के सड़कों का हालत भी बहुत हद तक खराब है, तो मेरी सोना को उबेर में कोई दिक्कत ना हो इसलिए उसके लिए मुझे एक केटीएम भी लेना ही पड़ेगा। और उसके बाद किसी चूतियों को देख के उसका 6 इंच का मैं अंदर ले लूंगा, क्योंकि जब मैं 6 इंच का अंदर लूंगा तब मैं छक्का बनूंगा, टिकटॉक इंस्टॉल करूंगा, उसमें मुजरा करूंगा और लड़की मेरे पे इम्प्रेस हो जाएगी। और उसके बाद भी अगर लड़की नहीं मानी तो भाई लड़की में कुछ तो बात है, उसके बाद मुझे अपना असली रूप दिखाना होगा कि मैं एक लड़की के लिए किस लेवल तक गिर सकता हूँ, गिड़गिड़ा सकता हूँ, भीख मांग सकता हूँ। और उसके बाद मैं एक ब्लेड लूंगा और अपना हाथ काटूंगा, क्योंकि ये एक तरीका है कि हम अपना प्यार एक्सप्रेस कर सकते हैं और लड़की हमसे इम्प्रेस हो जाएगी। और क्योंकि बड़े बुजुर्ग कह गए कि रक्त बहाओ और प्यार पाओ। और अगर भाई इसके बाद भी वो नहीं मानी तो भाई व्हाट्सअप का स्टेटस मरवाने के लिए थोड़ी ना होता है, वो सब तो इसी चीज के लिए बना है। मैं यूट्यूब में जाऊंगा और सर्च करूंगा व्हाट्सअप सैड स्टेटस, और उसके बाद उसे डाउनलोड करके स्टेटस में लगा दूंगा। इससे भले ही मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उससे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने दोस्तों का मूड खराब करने का मैंने ठेका ले रखा है। और अगर लड़की फिर भी नहीं मानी तो भाई सेल्फ रिस्पेक्ट किस काम की, वो तो भाई गंवाने के लिए ही होता है। मैं लड़की को पैराग्राफ लंबा सा लिख डालूंगा और मैं अपने प्यार का इजहार कर डालूंगा, भले उसके रिप्लाई में 2-4 गाली आ जाए या फिर रिप्लाई के नाम पर उसका भीख आ जाए, लेकिन मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और भाई अगर वो फिर भी नहीं मानी तो भाई मैं एक और चीज कर सकता हूं, सबको बता दूंगा कि मैं डिप्रेशन में हूं और मैं सुसाइडल फील करता हूं, भले ही सिंपैथी देने के लिए कोई घंटा भी मेरे पास ना आए। और सबसे खास बात कि मुझे अपने दोस्तों के बातों को इग्नोर करना होगा, क्योंकि भाई वो तो मुझे मुसीबत में ही देखना चाहते हैं, वो चाहते ही नहीं कि मैं किसी लड़की को पटाऊं, मैं खुश रहूं। भले ही जब मैं मुसीबत में रहा हूं मेरे दोस्त ही मेरे काम आए हैं, भले ही मेरे पेरेंट्स ने हजारों बार बोला हो कि दोस्ती में और इन दोस्तों में कुछ नहीं रखा है, लेकिन फिर भी जब मैं मुसीबत में रहा हूं मैंने इन 4-5 को ही अपने पास पाया है। लेकिन आज मुझे उनकी बातों को इग्नोर करना होगा, क्योंकि यार जलते हैं साले। और भाई लड़की भी तो इंपॉर्टेंट है। अब छोड़ो भाई, हमने मजाक बहुत कर लिया, तो मैं तुम्हें ये कह रहा था कि तुमने मेरी बातों को समझ ही लिया होगा कि ये सब करके कोई फायदा नहीं है। हाँ तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो, लेकिन तुम्हारी इंपॉर्टेंस उसे नहीं दिखेगी, क्योंकि भाई उसके लाइफ में भले ही मेल बेस्ट फ्रेंड नाम का कोई प्राणी ना हो, लेकिन उसके लाइफ में फीमेल बेस्ट फ्रेंड तो ऑब्वियसली होगी। और भाई तुम एक पल के लिए उसे पटा भी लोगे ना, लेकिन भाई तुम फीमेल बेस्ट फ्रेंड को कभी तुम पटा नहीं पाओगे, और तुम्हारी सारी इंपॉर्टेंस गई भाड़ में। और इस सदमे के कारण तुम बन जाओगे वन साइडेड लवर, और बाकी बचा कुचा कुसर तो टिकटॉक के छक्के तो पूरा करेंगे ही भाई, वो तुम्हारे दिमाग में ये बात बिठा देंगे कि वो इश्क क्या जो वन साइडेड ना हो। अबे चूतियो, इन्वेस्ट वहाँ पे करो जहाँ पे कुछ रिटर्न मिले। और मैं तुम्हें बता दूं कि मोहब्बत हमेशा 2 जगह से होती है, जो 1 जगह से होती है उसे चूतिया घटाना कहते हैं। अब भी टाइम ये टिकटॉक के छक्कों के बातों में मत आओ, बार बार कह रहा हूँ, ऐसे गांडू लोग तुम्हें बहुत मिलेंगे जो बोलेंगे कि एक तरफा प्यार ही सच्चा प्यार होता है। और अगर तुम भी यही सोच रखते हो ना, तो मैं तुम्हें बता दूं कि कुछ दिन बाद वो किसी और के पास जाएगी, ये सब देख के तुम्हारी गांड फट जाएगी और तुम्हारी मैया खैर जाने दो। और भाई तुम्हें लास्ट में यही कहूंगा कि ये सब करने से अच्छा अपने आप पे और अपने हाथ पे भरोसा रखो, खुश रहोगे। रुको जरा, रुको यार, हमें अपना टिप्स एंड ट्रिक्स तो अप्लाई करके देखना ही होगा एक बार। मैसेज मत कर रंडी के बच्चे। तो मैं तुम्हें बता दूं कि अपने रिस्क पे सब कुछ किया करो, बेकार में वरना मेरे से बेइज्जती हो जाएगी। और इसी बात के साथ हम अपने वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, बाय। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio station.